नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बिजली का झटका लग गया। गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड में लोगों को बिजली के बिल का झटका लगने जा रहा है। उत्तराखंड में बिजली महंगी हो गई है। मौजूदा टैरिफ से 13.25% बिजली महंगी हुई। 1 अप्रैल से जारी होगा बिजली का नया टैरिफ। डोमेस्टिक बिजली 100 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई है। कमर्शियल बिजली के 0.5% प्रति यूनिट दाम बढ़े हैं और इंडस्ट्रियल बिजली के 1.34% प्रति यूनिट दाम बढ़ गए हैं। रेलवे में सबसे ज़्यादा बिजली के दाम बढ़े हैं। रेलवे में 9.68% प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। और हमारे साथ रवि, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, ये जो बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, कितना बोझ आम आदमी पड़ेगा, कितना बोझ उद्योगों पर पड़ेगा, क्योंकि उद्योग पर पड़ा बोझ भी आम आदमी को झेल रहा है। बिल्कुल अवधेश, देखें क्योंकि जो नया टैरिफ विद्युत नियामक आयोग ने जारी कर दिया है, 1 अप्रैल से बढ़े हुए दाम जो बिजली उपभोक्ता है उनको देने पड़ेंगे। जहां तक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि डोमेस्टिक जो घरेलू उपभोक्ता है वो प्रदेश में 12,54,000 के करीब है, उनको अब प्रति यूनिट 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है 100 यूनिट तक। यानी कि अगर पहले 500 रुपये का बिल आता था तो अब उसमें 25 रुपये का इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहाँ पर भी अब जो बिजली के जो टैरिफ है उसको तकरीबन 3% बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो टैरिफ बढ़ाया गया है वो रेल में बढ़ाया गया है, जो 9% से ज्यादा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर इस बार भी 1 अप्रैल से बिजली के बढ़े हुए दामों के बाद लोगों को महंगाई का झटका लगेगा। क्योंकि उत्तराखंड में बात की जाए तो यूपीसीएल, पिटकुल और यूजे विनल तीनों ही जो विद्युत के जो तीनों आयोग हैं, इनके द्वारा विद्युत नियामक आयोग को एक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव जो है पहले ही दे दिया गया था। क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो भले ही यहां पर जो है इसको ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन महज 30% बिजली ही इन तमाम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनके इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, बाकी यहाँ से बाहर जाती है। तो ऐसे में अब लोगों को हर साल इस तरीके के बढ़ावा जो दरें हैं उनको देना होता है, और यही वजह है कि 1 अप्रैल से फिर से ये दाम बढ़ जाएंगे। इसमें एक खास बात ये भी रही कि जो मत्स्य पालक हैं, जो अभी तक जो बिजली का जो इस्तेमाल मत्स्य पालक कर रहे थे उसमें उनको कमर्शियल जो रेट है उनको उनसे वसूला जाता था, लेकिन इस बार उनको डोमेस्टिक में डाल दिया गया, क्योंकि छोटे उद्योग हैं और जो छोटे बिजनेस जो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि जो मत्स्य पालक हैं उन्हें एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि डोमेस्टिक कैटेगरी में आए तो उन्हें राहत मिलेगी। हमारे साथ रवि बने रहिए। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। सहकारिता विभाग से जुड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। राज्य की सहकारी समितियों का डिजिटलाइजेशन होगा। अमित शाह के कार्यक्रम में सीएम धामी और कई मंत्री भी मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं गुरुकुल कांगड़ी का, वहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आज अव्यवस्थित हो गए, आज कल G20 का सम्मेलन हमारे रामनगर में हो रहा था, मैं 2-3 देशों के प्रतिनिधि वहां कुछ लेट से पहुंचे तो मैंने पता किया कि वो लेट से क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था इस कोरोना महामारी के समय में समाप्त हो गई, कोरोना महामारी के समय में हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भी भारत को महाशक्ति की ओर ले जाने का काम, भारत को दुनिया का दिशा देने वाला देश बनाने का काम अरविंद मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसको भी अपना रहा है। निश्चित रूप से आज संपूर्ण विश्व आप जैसे युवाओं के सामर्थ्य और आपके सामर्थ्य से लाभान्वित होने के लिए लाभार्थी है। इस अवसर पर मैं पुनः आज आदरणीय गृहमंत्री जी का, इस श्रद्धानंद जी की धरती पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर, और आप सब लोगों को जो उनका उद्बोधन मिलने वाला है उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आदरणीय गृहमंत्री जी का अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। में दीक्षांत समारोह चल रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया, और अब संबोधन होगा केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का। और उन्होंने बताया कि G20 समिट में जो विदेश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं वो भारत की प्रगति को देखकर हैरान है, और उनका कहना है कि जिस दौर में हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतरीन बनी है, ये दुनिया भर में सीखने वाली बात है। देखिए हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जहां पर दीक्षांत समारोह चल रहा है। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, और
वो पहुंचे हैं दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही साथ सहकारिता विभाग की कुछ जो योजनाएं हैं, जो लाभ हैं, वो भी यहां पर सौंपे जाएंगे। सहकारिता विभाग से जुड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं और राज्य की सहकारी समितियों का डिजिटाइजेशन होगा, तो ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के नाम होने जा रही है, क्योंकि सहकारी समितियां जब डिजिटल अभियान से जुड़ जाएंगी तो उन्हें बेहतर ढंग से मदद मिल पाएगी और उनका काम भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएगा। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनके बगल बैठे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं उत्तराखंड और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए क्या क्या दौरे में है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। 1:30 बजे तक गुरुकुल कांगड़ी कार्यक्रम में अमित शाह रहेंगे, उसके बाद 2:45 से 3:45 तक सहकारिता विभाग का जो कार्यक्रम है वहां पहुंचेंगे। ऋषिकुल मैदान में ये कार्यक्रम करवाया गया है। 4 बजे भल्ला कॉलेज से पतंजलि के लिए वो रवाना होंगे और 4:15 से 5:45 तक पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में रहेंगे। पतंजलि योगपीठ में संन्यास दीक्षा समापन समारोह में मौजूद रहेंगे। शाम 6:05 पर पतंजलि से जौली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। शाम 6:15 पर दिल्ली के लिए उनकी वापसी होगी। गृहमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। तो आज पूरा दिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हरिद्वार में ही रहने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर, इस दौरान गृहमंत्री पतंजलि योगपीठ के संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में शामिल होंगे। पतंजलि के संन्यास दीक्षा कार्यक्रम से पहले 100 युवक युवतियों को बाबा रामदेव ने संन्यास की दीक्षा दी। वीआईपी घाट पर संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया था, इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव ने नव सन्यासियों को पूरी कसौटी पर परखा है, जिसके बाद उन्हें संन्यास की दीक्षा दिलाई जा रही है। उधर शाम 4 बजे गृहमंत्री पतंजलि योगपीठ के संन्यास दीक्षा समापन समारोह में शामिल होंगे। ये उस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब संन्यास दीक्षा दी जा रही है। उत्तराखंड के कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के सभी पैक्स कंप्यूटर से जुड़ जाएंगे। कंप्यूटर से जुड़ने के बाद तकरीबन 670 सोसाइटी हैं। आज इन सभी पैक्स में कंप्यूटर लगाने वाले प्रोग्राम का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे, मगर प्रोग्राम के उद्घाटन से पहले ही विवाद हो गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल ये विवाद अमित शाह के एक पत्र को लेकर है, जो उद्घाटन के एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने 9 अगस्त 2022 को प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें कंप्यूटरीकरण के लिए मिलने वाले तमाम उपकरण के मूल्य को लेकर सवाल उठाए गए थे। अगस्त 2022 में केंद्र की तरफ से भेजे गए लेटर में कहा गया था कि उत्तराखंड में एक कंप्यूटर 5,60,000 में खरीदा जा रहा है, जबकि इससे बेहतर कंप्यूटर 1,20,000 में खरीदा जा रहा है, और उसको लेकर राजनीति हो गई। तो देश का होम मिनिस्टर कह रहा है कि हम 1,20,000 में इस कंप्यूटर को देंगे, जो आप 5,00,000 से ज्यादा की कीमत में खरीद रहे हो, उसके बाद भी राज्य सरकार उसका संज्ञान नहीं लेती और उसके बाद केंद्रीय मंत्री उस पर इंटरवीन नहीं करते, तो निश्चित है कि बंदरबांट है और राज्य के कोष में जो है ये डका है। वो एक लेटर की इंटरप्रिटेशन में लोगों में थोड़ा सा गलत धारणा है। मैं आप सबके मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि उसमें किसी भी टाइप का अनियमितता नहीं हुई है, सारी काम सही हुई है। हमने जो भी मानक है वो सबको फॉलो करते हुए, उस समय पर जो एग्जिस्टिंग मानक है उस समय फॉलो करते हुए यहाँ पर कंप्यूटरेशन का कार्य किया गया है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कैनाल रोड पर जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री का चमोली के मलारी गांव में उनका प्रवास का कार्यक्रम है। इस दौरान वो मलारी के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर चर्चा करेंगे, जबकि दौरे के दूसरे दिन यानी कि 31 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। 60 रुपया बहुत फर्क है और इसलिए देश में जन औषधि केंद्र आज पॉपुलर हो रहा है। दैनिक डेली 20,00,000 लोग जन औषधि केंद्र की मुलाकात लेते हैं, सस्ती दवा खरीदते हैं और अपने यहाँ बचत भी करते हैं, खर्च भी कम होता है
और अपने जरूरी मेडिसिन भी मिल जाती है। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान आया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा का पूरा सहयोग केंद्र सरकार करेगी और केंद्र से जो सहयोग मांगा जाएगा वो मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रियों के सेहत का, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। जिस तरह से पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान काफी श्रद्धालुओं की जान गई थी, उसके बाद केंद्र सरकार भी इस बार मामले पर गंभीर नजर आ रही है। राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री अपने साथ अपनी हेल्थ से जुड़ी सर्टिफिकेट लेकर आएं, तो वहीं केंद्र सरकार भी इस बार यात्रा पर फोकस रख रही है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे यात्रियों की मौत हुई थी और वो सियासी मुद्दा भी बना था, लेकिन इस बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सेहत का ख्याल हम रखेंगे। चारधाम यात्रा में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भारत सरकार का जो भी सहयोग मांगा जाएगा भारत सरकार सहयोग करेगी, और चारधाम यात्रा करने वाले यात्री को हेल्थ की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पूरा ख्याल रखा जाएगा। और रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार जो भी सहयोग मांगेगी हम करेंगे। अब उत्तराखंड सरकार को यह तय करना है कि किस तरीके से सुविधाएं देनी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत हुई थी ऐसी मौत कभी हुई नहीं, और सियासी बखेड़ा भी खूब खड़ा हुआ था। निश्चित तौर पर अवधेश, देखिए पिछली बार की अगर यात्रा की बात करें तो 300 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हुई थी, और दो धाम खासतौर पर केदारनाथ और यमुनोत्री की बात करें तो इन पैदल मार्गों पर ज़्यादा दिक्कतें यहां आने वाले श्रद्धालुओं के सामने आई थी। और यही वजह है कि लगातार अब केंद्र से भी ये मांग की गई है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर के लिए, चाहे बजट की बात हो या फिर अन्य चीज़ें, वो केंद्र की ओर से दी जाएँ। और आज जो जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड दौरे पर हैं, देहरादून में उन्होंने एक जन औषधि केंद्र का यहाँ पर निरीक्षण भी किया, उस दौरान उन्होंने इस बात को साफ किया है कि केंद्र की ओर से चारधाम यात्रा में जो भी संभव प्रयास होंगे वो केंद्र की ओर से हर संभव मदद जो है राज्य सरकार की जाएगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इस बार अब चारधाम यात्रा की शुरुआत के लिए महज 22 दिनों का वक्त है, क्योंकि 22 तारीख से गंगोत्री और यमुनोत्री का पाठ खुलने के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों इस पर लगातार कसरत चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इस बात को कह चुके हैं कि एक अलग से बजट की व्यवस्था भी केंद्र से हो, इसके लेकर भी एक DPR बनाकर केंद्र को दी गई है जिस पर की मंजूरी मिलेगी। तो ऐसे में हर एक किलोमीटर पर एक एक स्वास्थ्य कैंप बनाए जाएंगे, खासतौर पर यहां पर जो हार्ट अटैक की जो ज्यादातर केसेस देखे जाते हैं उनको दिक्कतें कैसे दूर हों, इस बार एम्स के सहयोग से एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था चारधाम यात्रा में रहेगी। और जो पैदल चलने वाले रूट हैं दो, अगर हम बात करें केदारनाथ और यमुनोत्री की, तो यहां पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो एक बार अपना फिटनेस सर्टिफिकेट पैदल चलने का लेकर भी आए, इस तरीके की बात भी मंत्री पहले ही कर चुके हैं। तो अगर दो धामों की बात करें, इसके बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, वहां पर भी पैदल का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये खुद जो श्रद्धालु हैं अपनी से तो करेंगे, लेकिन यहां पर कोई दिक्कतें होती हैं तो हर एक किलोमीटर पर उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, वहां पर जो कैंप है वो स्वास्थ्य के हों, दवाइयां पूरी तरीके से उपलब्ध हों, और जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी जो है पहाड़ पर होती है वो ऑक्सीजन की उपलब्धता वहां पर हो सके, और ज्यादा अगर दिक्कतें होती हैं तो ध्यान दिया जाएगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि पूरा सहयोग उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार करेगी। शुक्रिया आपका रवि। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब उत्तराखंड के स्थानीय लोग बगैर पंजीकरण करवाए चारधाम के दर्शन कर सकेंगे। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। अप्रैल से उत्तराखंड के चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। समय कम रह गया है, इसलिए सरकार और प्रशासन एक्टिव मोड में काम कर रहा है। CM पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान शासन के साथ पुलिस से जुड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में मुख्यमंत्री धामी ने फैसला लिया कि स्थानीय लोगों को पंजीकरण करवाने की कोई जरूरत नहीं है, अब उत्तराखंड के स्थानीय लोग बगैर किसी रोक टोक के यात्रा कर सकेंगे। जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। इससे पहले सरकार ने ये फैसला लिया था कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। इसमें स्थानीय लोगों को भी कोई छूट नहीं दी गई थी, मगर चारधाम के पुरोहित इसके विरोध में थे। कुछ रोज पहले पुरोहितों ने CM पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की थी।
राज्य सरकार द्वारा यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी चारों धामों में, और इसके अलावा जो है पंजीकरण की जो अनिवार्यता थी उसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया था। तो हम लोग पिछले काफी लंबे समय से इन दो सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन थे। इस बीच हम कई बार मुख्यमंत्री से और प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, और इसी संदर्भ में हमने सोमवार को भी मुख्यमंत्री जी और पर्यटन सचिव से मिल करके अपनी बात दोहराई थी। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 25 अप्रैल को केदारनाथ, जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। सरकार ने इस बार 2 महीने पहले ही पंजीकरण खोल दिए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस सीजन में यात्रा पर काफी भीड़ रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया है। मुख्यमंत्री आवास पर कन्या पूजन कार्यक्रम रखा गया था, और इसी कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कन्या पूजन किया और फिर कन्याओं के पैर भी धोले। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास की है, जहां पर कन्या पूजन किया मुख्यमंत्री ने। और जो नवरात्रि का अंतिम दिन है उसकी जो परंपरा है उसको निभाया। और चलिए सीधे रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री संबोधित कर रहे हैं। बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप सभी को। हमेशा पूरा जीवन गर्व रहेगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा और दीक्षांत तीनों गुरुकुल कांगड़ी जैसे महान संस्थान के अंदर हुआ है, जिस संस्थान को मां भारती के महान सपूत स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिसकी नींव रखी, और उस दिन से आज तक 100 साल से ज्यादा सालों तक महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर अक्षुण्ण रूप से यहां शिक्षा का एक अविरत प्रवाह बहता रहा। और आज जो छात्र छात्राएं यहां से विकसित होकर जा रहे हैं, इनको मैं किसी भी प्रकार की अलग भावना के बगैर कह सकता हूं, मेरे जैसे अनेक लोगों के लिए आप सभी लोग ईर्ष्या के पात्र हो कि आपको जीवन में गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ने का मौका मिला। महर्षि श्रद्धानंद जी ने जिस गुरुकुल कांगड़ी की नींव डाली, आज वो एक महान वटवृक्ष बनकर समग्र देश और दुनिया को महर्षि दयानंद का संदेश और हमारी पौराणिक शिक्षा पद्धति को जीवित रखने के ज्योतिर्धर बनकर ये गुरुकुल कांगड़ी आज गौरव के साथ राष्ट्र के बीच में खड़ा है। गुरुकुल कांगड़ी का, यहाँ की शिक्षा पद्धति का महत्व देखकर ही महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहे महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुरारजी भाई देसाई, अनेक महानुभावों ने इस पुण्य भूमि पर अपने पैर रखे और इस शिक्षा व्यवस्था को बल देने का काम करा है। और आज मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी के लिए और गर्व का विषय है, क्योंकि आपका जो दीक्षित होकर जाने वाला बैच, ये जो बैच है आपका, वो आजादी के अमृत महोत्सव में और स्वामी दयानंद के 200वें जन्म वर्ष के बैच है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। गुरुकुल कांगड़ी के इतिहास में महर्षि दयानंद के 200वें जन्मदिन वाला बैच हमेशा याद रहेगा। आर्य समाज की स्थापना के 150वें वर्ष का बैच भी हमेशा के लिए याद रहेगा, और आप सबके जीवन में ये भी हमेशा याद रहेगा कि आप आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष की बैच के दीक्षित
विद्यार्थी होकर अब समाज जीवन में जा रहे हैं। आज यहाँ पर 1800 विद्यार्थी शिक्षा की दीक्षा प्राप्त कर यहाँ से नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जिसमें 400 बच्चियाँ भी हैं, 105 पीएचडी छात्र हैं, ढेर सारे लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और आज यहाँ से जाकर आप समग्र राष्ट्र और समग्र देश के कल्याण के लिए आपका योगदान शुरू करने वाले हो। इस वक्त मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं उस भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ पर वैदिक शिक्षा की परंपरा को, उसकी ज्योत को जलाकर आगे बढ़ाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने शुरुआत की। मित्रों, दयानंद जी का संदेश श्रद्धानंद जी ने बहुत हूबहू जमीन पर उतारने का काम किया, जिन्होंने पराधीन भारत को स्वाधीन बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की। शिक्षा के बोध को जागृत और संरक्षित किया। मातृभाषा में शिक्षा का अलग जगाने वाले वो सन्यासी ने हिंदी को भी इस देश में महत्वपूर्ण स्थान देने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। मित्रों, आज गौरवशाली आर्य परंपरा के संरक्षक के नाते, वैदिक शिक्षा के दूत के नाते स्वामी श्रद्धानंद जी को मैं मन से बहुत आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देकर उनको प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, उन्होंने शिक्षा को अंग्रेजों की चुंगाल से बाहर निकालने के लिए हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धतियों को नई ऊर्जा देने के लिए वैदिक मूल्यों, प्राचीन भारतीय संस्कृति, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का विज्ञान और इसके साथ आधुनिक विषयों को जोड़कर शिक्षा को परिपूर्ण बनाने का काम किया है। तैतरीय उपनिषद को आपके कुलपति महोदय पढ़ रहे थे, वो तैतरीय उपनिषद में पंचकोश के माध्यम से जिस विद्या पद्धति को व्याख्यायित किया गया, वो विद्या पद्धति को पुनर्जीवित करने में स्वामी श्रद्धानंद का बहुत बड़ा योगदान है। और ये 121 साल का कांगड़ी गुरुकुल का इतिहास आने वाले दिनों में वैदिक शिक्षा के पुनर्जागरण की नींव के रूप में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना वाला है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।